हाय फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सभी लोगों के लिए सिर दर्द रहा है, क्योंकि ये टॉपिक है वर्ब से जुड़ा हुआ। अधिकतर लोगों को वर्ब की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है ये याद नहीं रहती है, और अधिकतर लोग कुछ भी गलत सीधा इसमें भर देते हैं। इन वर्ब्स को याद रखना कोई आसान कार्य भी नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों इंग्लिश के शब्द हैं जिनकी किसी में तो ईडी लग जाता है, किसी में फर्स्ट और थर्ड सेम रहती है, किसी में फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ब अलग अलग रहती है। इस प्रकार इस परेशानी में आदमी रहता है, और अधिकतर लोग इससे बहुत परेशान हैं क्योंकि उनको वर्ब्स याद नहीं रहती है। मैंने इस समस्या को हल करने का एक छोटा सा प्रयास किया है, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसको ड्रैग ना करें, क्योंकि 5 सेकंड 10 सेकंड भी आप इसको आगे निकाल देंगे आपके नुकसान हो सकता है। इसको आप अंत तक पूरा देखें। आइए हम समझते हैं, अपने जो 3 टेंस होते हैं उनको 4 भागों में बांटा है और उन कुल मिलाकर अपने 12 टेंस हो गए। 12 में से फर्स्ट जो फॉर्म होती है वो 8 टेंस में तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब वो किस किस में आती है फर्स्ट फॉर्म, आइए समझ लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म आती है अपने प्रेजेंट के सिंपल में, कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में, ऐसे ही फ्यूचर के भी सिंपल में और कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में, और जो पास्ट होता है उसके पास्ट कंटिन्यूस में आती है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आती है। तो इस प्रकार 8 जो टेंस हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म आती है। अब हमारे बचा एक पास्ट सिंपल, इसमें हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। याद रहे सेकंड फॉर्म केवल पास्ट सिंपल में आती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो तीनों परफेक्ट में आती है, प्रेजेंट के परफेक्ट में, पास्ट के परफेक्ट में और फ्यूचर के परफेक्ट में। यानी कि इन 4 टेंस की वर्ब्स के लिए आदमी को लाखों करोड़ों वर्ब्स याद रखनी पड़ती हैं, तब जाकर वो एक सही तरीके से सेंटेंस बना पाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो वर्ब्स होती हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होती है रेगुलर वर्ब, रेगुलर जो अपन दूसरी भाषा में समझे तो ईडी वाली, जिनमें हम ईडी लगा देते हैं और आसानी से बाद की दो वर्ब हमें बन जाती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म हमें कोई परेशानी नहीं आती है। और सेकंड वाली होती है इररेगुलर वर्ब, जो कि तीनों या पहली या तीसरी या दूसरी या तीसरी ये अलग अलग होती हैं, इनको इररेगुलर वर्ब कहते हैं। आइए इनको समझते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण लेकर देखते हैं जिनमें रेगुलर वर्ब होती है, एग्जाम्पल से समझते हैं। दे प्ले, दे प्लेड, दे हैड प्लेड, इसमें तीनों एक जैसी हैं, प्ले प्लेड प्लेड, इसमें कोई परेशानी नहीं है, हमें ईडी लगा दिया। एक है आई वर्कड, आई हैड वर्कड, इसमें भी वर्कड वर्कड एक जैसी हैं, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। ये हैं अपनी रेगुलर वर्ब। आगे बढ़ते हैं, आई वर्कड 440 आवर्स लास्ट वीक, इसमें जो ये बड़े कोष्टक में बंद हो रहा है वर्कड, ये है, ये रेगुलर वर्ब है। और इरेगुलर वर्ब है जो आई स्पोक टू माई बेस्ट फ्रेंड एस्टरडे, इसमें स्पीक, स्पोक और स्पोकन तीनों फॉर्म अलग होती है। जिसमें तीनों फॉर्म अलग होती है उसे तो बोलते हैं इररेगुलर वर्ब, यानी अनियमित क्रिया, और रेगुलर वर्ब नियमित क्रिया, जिसमें कि ईडी लगाकर आसानी से हम बना देते हैं। रेगुलर वर्ब की जो डेफिनेशन है वो है, रेगुलर वर्ब्स ऑलवेज फॉलो द सेम पैटर्न, ये एक पैटर्न पे ही चलती है। दे लुक द सेम इन द पास्ट एंड आर ईजी टू फॉर्म, वो पास्ट में एक जैसी दिखती हैं और उनको आसानी से बनाया जा सकता है। यूजुअली यू ऑल यू हैव टू डू इज एड द लेटर्स ई डी, केवल हमें ई डी अक्षर जोड़कर
एट द एंड ऑफ द वर्ड, शब्द के अंत में ई डी अक्षर जोड़कर हमें उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। किसी प्रकार की कोई बाधा इसमें नहीं आती है। जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं वो इरेगुलर वर्ब्स में अपने तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं। आइए पहले हम रेगुलर वर्ब्स का अध्ययन करते हैं। रेगुलर वर्ब्स में अगर क्रिया के अंत में वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ हो, यानी वाई से पहले अगर कोई व्यंजन दिया हुआ हो, तो रेगुलर वर्ब में हम उस वाई को हटाकर आईईडी लगा देते हैं। ध्यान रहे, वाई को हटाकर आईईडी लगा देते हैं। कब? जब व्यंजन दिया हुआ हो। तो जैसे ट्राई एक वर्ब लेते हैं, ट्राई में टी आर वाई, वाई के पहले आर एक व्यंजन है, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वाई को आई ई डी में बदल देंगे, तो ट्राइड और थर्ड भी ट्राइड। ऐसे हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, क्राई सी आर वाई, वाई के पहले आर कॉन्सोनेंट है तो हमने वाई को आई ई डी में बदल दिया, यानी ये बन गई क्राइड और थर्ड भी क्राइड। एक और देख लेते हैं, ड्राई डी आर वाई, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, इसको भी सेकंड और थर्ड फॉर्म में बदला तो डी आर आई ई डी और थर्ड भी ड्राइड। एक और उदाहरण लेते हैं, जिनके लास्ट में आई ई हो, दो लेटर दिए हुए हो, डी जैसे आई ई हो और दूसरा डबल ई आता हो, जिनके लास्ट में आई ई और डबल ई आता हो, उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म केवल डी लगा दें तो बन जाती है। एक उदाहरण से देखते हैं, डी आई ई डाई, ये अपने एक वर्ब ली तो इसकी सेकंड में हमने डी लगा दिया तो डाइड और थर्ड में भी डी लगा दिया डाइड। ऐसे हमने ली एग्री, एग्री के लास्ट के दो लेटर हैं उनमें डबल ई आ रहा है तो एग्री में भी केवल डी लगा दिया तो एग्री बन गया। और समझते हैं, वाई से पहले वोवल होने पर, वाई से पहले वोवल स्वर होने पर केवल ईडी लगा देते हैं। ध्यान रहे, स्वर होने पर केवल ईडी लगा देते हैं। जैसे स्टे एस टी ए वाई, स्टे, स्टे में वाई के पहले ए है, ये क्या होता है, स्वर होता है, ए ई आई ओ यू पांच स्वर है तो ये क्या है, स्वर है, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हम केवल ई डी लगा देंगे। ध्यान रहे, केवल ई डी लगा देंगे। दूसरा एन्जॉय, ई एन जे ओ वाई, वाई के पहले इसमें वो है, वो भी स्वर होता है तो इसमें केवल ई डी लगा देंगे। और थर्ड है टी ओ वाई, टॉय, टॉय में भी वाई के पहले वो है, ये भी स्वर है, इसमें भी ई डी लगा देते हैं। तो इन रेगुलर वर्ब्स में केवल ई डी लगाने से ही अपनी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। लेकिन वाई से समाप्त होने वाली वर्ब्स में अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो उसको हम सिंगुलर नंबर के साथ जब चेंज करते हैं तो वाई को आई ई एस में बदल देते हैं। जैसे ट्राई का टी आर वाई, तो वाई हटाकर हम बना देंगे ट्राइज, ऐसे ही क्राई का क्राइज, फ्लाई का फ्लाइज। अगर वाई के पहले वोवेल है, स्वर है, तो फिर हम उसको केवल एस में बदल देते हैं। जैसे प्ले का प्लेस और से का सेज, इसमें हम आई एस नहीं लगाते हैं। अगर वाई के पहले स्वर हो तो केवल मात्र एस लगाते हैं। ऐसा कब करते हैं? जब कर्ता सिंगुलर हो, एक वचन हो। एक और प्रकार है, वो है इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स की जो डेफिनेशन है, इरेगुलर वर्ब्स दो डोंट फॉलो डेट पैटर्न, ये उस पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। यू कैन रिकग्नाइज देम बिकॉज दे लुक सो डिफरेंट इन द पास्ट टेंस, आप हम उसे पहचान सकते हैं क्योंकि वो पास्ट टेंस में अलग अलग नज़र आती हैं, यानी कि उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, वो एक जैसी नहीं होती हैं, कभी पहली और तीसरी, कभी दूसरी और तीसरी, ये अलग अलग रहती है। देखते हैं इनके कुछ उदाहरण। जैसे हम लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, सम एग्जांपल्स देखते हैं। आई राइट, इसकी सेकंड फॉर्म हुई आई रोट और थर्ड हुई आई हैड रिटन। तीनों में कर्ता एक ही है लेकिन
अपने टेंस के अनुसार राइट रोट रिटर्न हो गया। ऐसे ही ही बिल्ड्स, ही बिल्ट और ही हैड बिल्ट, ये अलग अलग हो गया। इसमें से सेड सेड, गो वेंट गोन, कम केम कम, बिकम बिकेम बिकम, नो न्यू नॉन, फाइंड फाउंड फाउंड। अब देखिए इनमें किसी में फर्स्ट और लास्ट एक है, सेकंड चेंज है, और किसी में आप देखिए पहली दूसरी तीनों ही अलग अलग हैं। फिर फाइंड फाउंड फाउंड, इसमें दो लास्ट की एक है, फाइंड अलग है। गेट गोट गोटन, थिंक थॉट थॉट, गिव गेव गिवन। इस प्रकार ये इरेगुलर वर्ब्स हैं, ये अलग अलग हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो डी से समाप्त होती हैं, वो लास्ट में टी लगाने पर सेकंड और थर्ड बन जाती है। जैसे अभी देखते हैं सेंड, अब इसमें अपन ने टी लगा दिया तो सेंट सेंट, ऐसे बेंड में टी लगाया तो बेंट बेंट, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई। ऐसे बिल्ड में अपन ने टी लगा दिया तो बिल्ट बिल्ट। कुछ वर्ब्स होती हैं जो इरेगुलर होती हैं, वो तीनों सेम होती है, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, हिट हिट हिट। यहाँ देखने वाली बात यह है कि इसके दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, लेकिन बीच में सिंगल वोवेल दिया हुआ है, यानी कि सिंगल स्वर दिया हुआ है। इस कारण इसमें लास्ट की जो सेकंड और थर्ड बच रही है वो भी वही है जो इनकी फर्स्ट फॉर्म है। इस प्रकार हमने कोशिश की है इनको समझने की वर्ब्स को। फिर भी आपको अगर किसी प्रकार से वर्ब से संबंधित कोई भी शिकायत हो या कोई चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने की, आंसर देने की। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आगे अच्छे से अच्छे लेसन आपको प्रस्तुत करने की। थैंक यू।